उसकी पत्नी अपने मायके में थी। एक दिन वो लगातार उसे कॉल करता रहा, लेकिन बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बीवी की वफादारी पर ही शक होने लगा कि कहीं किसी के साथ उसका अफेयर तो नहीं चल रहा। कॉल का सिलसिला लगातार बढ़ने लगा। एक के बाद एक पूरा दिन अपनी पत्नी को 100 से भी ज़्यादा बार कॉल किया, लेकिन बीवी टस से मस नहीं हुई, उसने फोन नहीं उठाया। बीवी की इस हरकत पर पति गुस्से की आग में जलने लगा, फिर गाड़ी उठाई और 230 किलोमीटर का सफर तय कर 5 घंटे में बीवी के घर पहुंचा और खून की नदियां बहा दी। नीले रंग के सूट और गले में माला डाले ये वही हैवान पति है जिसने बच्चों से मिलने के बहाने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को अंजाम कर्नाटक में दी गई है। यहीं के एक पुलिस स्टेशन में 32 साल का कांस्टेबल किशोर डी तैनात है। 24 साल की इसकी पत्नी प्रतिभा, जो कि किशोर के साथ इस तस्वीर में नजर आ रही है, प्रेग्नेंट होने की वजह से अपने मायके में रह रही थी, जहां उसने आज से ठीक 11 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। इस दौरान किशोर अपनी नवजात बेटी को देखने के लिए बेताब था, लिहाजा उसने अपने थाने से छुट्टी ली और चामराजनगर से 232 किलोमीटर दूर होसाकोटे जाने के लिए निकल पड़ा। एक तरफ किशोर डी अपने ससुराल तो जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसकी खबर किसी को नहीं थी। ये कोई नहीं जानता था कि उसका दिमाग शैतान वाला है और वो अपनी ही बीवी के लिए काल है। कुछ घंटों के सफर के बाद ही वो अपनी पत्नी के घर पहुंच चुका था। पत्नी के घर वालों ने दामाद किशोर का काफी जोरदार वेलकम किया। किशोर वहीं पर था, इसी दौरान उसके ससुराल वाले किसी काम से सोमवार यानी कि 6 नवंबर को घर से बाहर गए। अब घर में केवल किशोर, उसकी पत्नी प्रतिभा और नवजात बेटी थी। तभी अचानक किशोर प्रतिभा के कमरे में पहुंचा। इससे पहले कि प्रतिभा कुछ समझ पाती या संभल पाती, किशोर उस पर टूट पड़ा और उसका गला दबाने लगा। प्रतिभा तड़पने लगी, लेकिन किशोर के सिर पर खून सवार था, वो वहशी बन चुका था। वो प्रतिभा का गला दबाता रहा और वो तड़पती रही। कुछ टाइम के जद्दोजहद के बाद आखिरकार प्रतिभा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद किशोर को न जाने क्या सूझी कि वो एक साड़ी उठाकर लाया और पंखे में डालकर अपनी पत्नी के गले में बांधने लगा। दरअसल वो इस हत्या को आत्महत्या की शक्ल दे रहा था। तभी उसके ससुराल वाले घर आ गए। इसके बाद किशोर हड़बड़ाहट में वहां से फरार हो गया। किशोर के जाने के बाद जब उसके सास ससुर ने अपनी बेटी को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, घर में मातम छा गया। फिर उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और प्रतिभा की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस किशोर की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला ही है जिसने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वो अपने गांव चला गया और वहीं पर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि उसकी हालत गंभीर नहीं है, होसकोटे पुलिस ने उसे दूसरे अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक रिहा होने के बाद किशोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में जांच के बाद पुलिस को पता चला कि पिछले साल ही किशोर और प्रतिभा की शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा, जिसकी वजह से किशोर हमेशा अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाया करता था और अपमानजनक व्यवहार करते हुए उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। घर वालों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन किशोर मानने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि किशोर की पत्नी प्रतिभा काफी पढ़ी लिखी थी। दोनों की शादी 13 नवंबर 2022 को ही हुई थी। शादी के बाद लगातार दोनों झगड़ रहे थे। कोलार जिले के वीरपुरा का रहने वाला किशोर अक्सर अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता था और वो उसके कॉल लॉग और मैसेज की भी जांच करता था। जो भी उससे बात करता या उसे मैसेज भेजता, उस पर वो नजर रखता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर सोमवार से पहले यानी कि रविवार को क्या हुआ था। ये वही दिन था जब किशोर ने अपनी बीवी को फोन किया और उसे डांटना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रतिभा की मां ने कहा कि वो उसका फोन ना उठाए, क्योंकि इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभा इसके बाद लगातार रोती रहती। इसके बाद अगली सुबह प्रतिभा को पता चला कि किशोर ने उसे 150 बार फोन किया था। प्रतिभा ने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दी। इसी दौरान किशोर वहां पर आ धमका, लेकिन किशोर के दिमाग में क्या चल रहा था इस बात की जानकारी ना तो प्रतिभा को थी, ना ही उसके माता पिता को। इसी चक्कर में प्रतिभा को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब प्रतिभा के घर वाले उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किशोर की माँ भी उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करती थी। प्रतिभा के पिता की तहरीर पर फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक शेयर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।